गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राइवेट कंपनी IRCTC द्वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर लगाया गया ऑटोमेटिक वाटर वेंडिंग मशीनें 12 दिनों से बंद हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने कार्यदायी एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रेलवे स्टेशन पर ठेका के सफाई कर्मियों के बाद अब ऑटोमेटिक वाटर वेंडिंग मशीनों पर तैनात ठेका कर्मचारियों ने कार्यदायी एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महीनों से वेतन की मांग कर रहे कर्मी 3 अक्टूबर से ही कार्य बहिष्कार पर हैं। रेलवे स्टेशन पर स्थापित 12 मशीनों पर ताला लटका हुआ है। वाटर वेंडिंग मशीनों पर कार्य करने वाले विजय, शुभम, सुनील, अभय, चंद्रभूषण, शैलेश, प्रदीप, विनोद आदि कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें 1 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। जब तक पूरा वेतन नहीं मिल जाता वे कार पर नहीं लौटेंगे। इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, IRCTC के संबंधित अधिकारियों से वार्ता किया गया है, जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्टेशन पर पीने योग्य पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कंपनी के कर्मचारी शुभम व पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने बताया। शुभम राय सर जी, सर ये कंपनी द्वारा लगाया हुआ अर्थ वाटर ग्रुप, ये सर लगाया मतलब 2016 में सर जी। सर प्रॉब्लम ये है कि हमारा 1 साल का पेमेंट हो गया, जो सैलरी हमें नहीं मिली है सर। इसमें हम लोग ऑपरेटर हैं जी, मशीन चलाते हैं, हमें हमारे द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है मशीन को। यहाँ पे सर 12 मशीनें हैं, यहाँ कर्मचारी 20 हैं सर जी। सर अभी ये हुआ कि हम अपनी सैलरी मांग रहे हैं, कंपनी ने मना कर दिया कि सैलरी नहीं मिलेगी, ये प्राइवेट हाथों में ये दे रही है ठेकेदार को। सर प्राइवेट है लेकिन वो जैसे कंपनी चलाती है, अब ठेके पे दे रही है प्राइवेट लोगों को, वो चलवाएंगे और वो जितना बनेगा वो कंपनी को देंगे जी। वो आए हुए हैं, नए ऑपरेटर आए हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। हमें बोल दिया गया तुम्हें नहीं मिलेगा, जो करना वो कर लो सैलरी नहीं। सर कंपनी द्वारा अर्थ वाटर ग्रुप जी जी सर सभी को। सर हम मशीन नहीं खोलने देंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलती है। सर हमारी हो गई लगभग 12 महीने की मेरी सैलरी बाकी है जी, 10 से 11 या 12 महीने ऐसे बाकी सर। संज्ञान में आया है कि जो वाटर वेंडिंग मशीन लगी हुई है उस पर माइनिंग की हुई थी, तो जो लोग कार्य के लिए लगे हुए थे उनको कुछ ग्रीवांस है। IRCTC ने वो लगाया था मशीन, वही लोग उसको देख रहे हैं, तो हमारी बात हुई है IRCTC के संबंधित अधिकारी से, वो लोग जल्द ही मामले को रिजॉल्व कर लेंगे और पुनः सुचारू रूप से वाटर वेंडिंग मशीन चलने लगेगा। तब तक के लिए जो भी स्टेशन पे पेयजल की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कर ली गई है, हर जगह पीने का पोटेबल वाटर, पीने योग्य पानी उपलब्ध है सभी प्लेटफॉर्मों पे, और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है।